हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे एंड्रॉयड एसडीके का टूल्स का पाथ हम लोग उबुंटू सिस्टम में चलाएंगे। उबुंटू सिस्टम में एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए एंड्रॉयड एसडीके का सभी टूल्स का पाथ सेटअप होना ज़रूरी है। देखते हैं कैसे सेटअप करते हैं। तो पहले एंड्रॉयड एसडीके हम लोग डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एसडीके एंड्रॉयड एसडीके हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड ऑफिशियल साइट developers.android.com से। तो वंस हम लोग डाउनलोड करेंगे वो फाइल, हम लोग को एक जीप की तरह आएगा और उसी जीप को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को android-sdk फोल्डर मिलेगा। ये फोल्डर हम लोग प्लेस कर सकते हैं हमारा होम फोल्डर पे। ये होम फोल्डर पे हम लोग प्लेस करने के बाद देखेंगे कि वो क्या क्या आया है हमारे SDK पैकेज के अंदर। SDK पैकेज के अंदर देखते हैं बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर अवेलेबल है। इस फाइल एंड फोल्डर के अंदर में से दो मोस्ट इम्पोर्टेंट फोल्डर है प्लेटफॉर्म टूल्स एंड टूल्स फोल्डर। प्लेटफॉर्म टूल्स एंड टूल्स फोल्डर के अंदर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, टूल्स स्क्रिप्ट्स ये सभी अवेलेबल है जो कि हमारे डेवलपमेंट के काम आएगा। और हम लोग बहुत ही डिपेंडेंट है उसी टूल्स के ऊपर। जैसे कि टूल्स मैं बोल सकता हूँ ADB टूल, देन एंड्रॉयड SDK मैनेजर टूल, DDMS टूल, 9.png टूल, इमुलेटर टूल, ये सभी टूल्स अवेलेबल है ये दोनों फोल्डर के अंदर। तो फर्स्ट देखेंगे प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर क्या क्या टूल्स अवेलेबल है। ADB टूल्स, फास्टवुड टूल्स, देन SQLite टूल्स, ये सभी टूल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, ये प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर अवेलेबल है। एंड टूल्स फोल्डर के अंदर अगर जाएंगे देखेंगे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स एंड टूल्स अवेलेबल है। इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स है एंड्रॉयड, DDMS, लिंट एंड ट्रेस व्यूअर, मोनिटर, ये वगैरह वगैरह, इमुलेटर, ये सभी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। ये सभी टूल्स नॉर्मली हम लोग अगर जाएंगे टर्मिनल पे तो काम नहीं करेगा। ये सभी टर्मिनल यूजेबल टूल्स है। हम लोग अगर यहीं पे टर्मिनल ओपन करके जाके देखेंगे कि ADB देखेंगे तो ADB काम नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है दिस प्रोग्राम ADB इज करेंटली नॉट इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। लेकिन हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं लेकिन हमारे टर्मिनल में पिक नहीं हो रहा है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग पाथ अभी तक सेट नहीं किए हैं हमारे उबुंटू सिस्टम में। चलो देखते हैं कैसे हम लोग उबुंटू सिस्टम में पाथ सेटअप करते हैं। उबुंटू सिस्टम में पाथ सेटअप करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल है .bashrc। ये .bashrc फाइल है मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल जहाँ पे कि हमारा पाथ का सेटिंग हम लोग डालेंगे। लेकिन ये .bashrc फाइल कहाँ पे है? ये .bashrc एक्चुअली में होता है होम फोल्डर के अंदर। होम फोल्डर के अंदर .bashrc फाइल होता है जहाँ पे हम लोग हमारा पाथ सेटिंग डालेंगे। तो चलो देखते हैं होम फोल्डर, यहीं पे चलेंगे होम फोल्डर पे। होम फोल्डर चलिए देखिए, दिखता नहीं है कुछ भी हमारा .bashrc। तो ये .bashrc क्या है? .bashrc एक हिडन फाइल है। ये हिडन फाइल होम फोल्डर में है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। अगर हम लोग देखना चाहते हैं सभी हिडन फाइल्स को हमको कंट्रोल एच प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल एच ये टॉगल की फॉर हिडन फाइल सिस्टम। कंट्रोल एच से हम लोग हिडन कर सकते हैं, अनहिडन भी कर सकते हैं। सो अभी मैंने अनहिडन किया और यहीं पे देखिए स्क्रॉल डाउन, मैंने स्क्रॉल को नीचे किया तो देखा कि .bashrc फाइल .bashrc एग्जिस्ट है। मैं यही फाइल को ओपन करूँगा और इसी फाइल में मैं मेरा पाथ का सेटअप करूँगा। तो ये पाथ सेटअप कैसे करूँगा? पहले मुझे जाना पड़ेगा SDK फोल्डर के अंदर। SDK फोल्डर के अंदर जाऊँगा, यही पे प्लेटफॉर्म टूल्स है। प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर जाऊँगा जहाँ पे मुझे दिखाई देगा ADB टूल, वहीं पे जाके मुझे कंट्रोल एल प्रेस करना है। कंट्रोल एल प्रेस करने पे मुझे एड्रेस बार दिखाई देगा और यही एड्रेस बार से मुझे कंप्लीट एड्रेस को कॉपी करना है।
मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी प्रेस किया, अभी एस्केप प्रेस किया, फिर से प्रीवियस स्टेट को जाने के लिए, एड्रेस बार को प्रीवियस स्टेट में मूव करने के लिए कंट्रोल एस्केप प्रेस किया, ओनली एस्केप प्रेस किया। तो अभी मेरा bash.rc ओपन है, मैं पूरा नीचे जाऊंगा, पूरा स्क्रॉल डाउन कर दूंगा, अभी एंटर दूंगा, एक नया लाइन क्रिएट करके export export लिखूंगा, देन स्पेस देके path पाथ लिखूंगा, उसके बाद विदाउट स्पेस इक्वल दूंगा, देन विदाउट स्पेस डॉलर साइन path वेरिएबल का नाम दूंगा, उसके बाद कॉलन देके अभी जो मैंने पाथ कॉपी किया था वो पाथ को डबल कोटेशन के अंदर प्लेस करूंगा। अभी मेरा पाथ सेटअप हो गया है प्लेटफॉर्म टूल्स को, अभी फिर से मुझे सेकंड फोल्डर का पाथ सेटिंग करना है, इसी तरह से कॉलन दे के डबल कोटेशन के अंदर फिर से मुझे लिखना है टूल्स फोल्डर का नाम। तो ये टूल्स फोल्डर का नाम अभी मैंने प्लेस कर दिया एंड सेव कर दिया, कंट्रोल एस सेव कर दिया और ये bash.rc को क्लोज कर दिया। अभी मैं अगर टर्मिनल ओपन करूँगा, यही पे टर्मिनल ओपन है तो यही पे काम नहीं करेगा, ये bash.rc का रूल है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। मुझे क्लोज करना है टर्मिनल, अगेन टर्मिनल को रीसेट करना है, पाथ सेटअप के बाद मुझे टर्मिनल को रीसेट करना है। तो रिस्टार्ट कर दिया टर्मिनल, अभी अगर मैं adb कमांड दूंगा तो अभी मेरे को adb कमांड का बहुत सारे आउटपुट आ गया एंड हेल्प आ गया, यही पे दिख रहा है कंप्लीट आउटपुट ऑफ adb कमांड, adb कमांड कैसे यूज करना है, क्या करना है, कंप्लीट हेल्प दिखाई दिया। तो अभी इसका मीन्स है कि मेरा adb कमांड काम किया, कैसे काम किया ना, मैंने अभी रिसेंटली adb का पाथ, प्लेटफॉर्म टूल्स का पाथ मैंने bash.rc में डाला हुआ है, तो ये काम कर रहा है। देन हम देखेंगे कि टूल्स फोल्डर में जो जो टूल्स है वो सभी काम कर रहा है या नहीं, देखते हैं टूल्स के अंदर कौन सा फाइल है। एक फाइल है एंड्रॉयड, एक DDMS, ये सभी टूल्स अवेलेबल है टूल्स फोल्डर के अंदर। तो देखते हैं एंड्रॉयड, ये एंड्रॉयड कमांड है एंड्रॉयड SDK मैनेजर का। हम लोग अगर एंड्रॉयड SDK मैनेजर को ओपन करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड कमांड यूज कर सकते हैं। तो ये कमांड भी हमको टर्मिनल में से ओपन करने का सुविधा आ गया। तो अभी DDMS भी आ जाएगा, सभी टूल्स वर्किंग करेगा। तो ये था हम हाउ टू सेट अप 100 SDK पाथ टू Ubuntu सिस्टम।